इस वर्ष कोरोना काल के बाद चारधाम यात्रा पटरी पर लौटती नजर आई, जिससे कि चारों धामों में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे। केदारनाथ धाम की बात करें तो इस साल रिकॉर्ड तोड़ 15,63,000 यात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे, जिससे कि जिले में पनप रहे नए व्यवसायियों को काफी मुनाफा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक बात की जाए तो इस साल केदारनाथ धाम से जुड़े कई महिला समूहों ने करीब 48 लाख रुपए का व्यापार किया, जो कि एक नया कीर्तिमान है। केदारनाथ का विश्वविख्यात मंदिर रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत आता है और जिले की महिलाएं आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार का मंत्र अपना कर केदारनाथ यात्रा में अपना योगदान दे रही हैं, जिससे कि आमदनी बढ़ रही है, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ रहा है। आपको बता दें कि महिलाएं बाबा केदार के धाम के लिए स्थानीय उत्पादों के जरिए ही प्रसाद तैयार करती हैं, साथ साथ यात्रा मार्ग पर रेस्टोरेंट और कैफे चलाकर अपनी आजीविका मजबूत कर रही हैं। महिलाएं स्थानीय शहद, हर्बल धूप और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। केदारनाथ प्रसाद उत्पादक फेडरेशन के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह सजुआण ने बताया कि इस वर्ष उन्होंने करीब 50 कुंटल चौलाई के लड्डू और चूरमा तैयार कर केदारनाथ में बेचा है और पिछले 6 महीनों में 60 महिलाओं को वो रोजगार दे रहे हैं। वो केदारनाथ के लिए प्रसाद, चौलाई प्रसाद का उत्पादन प्रारंभ किया गया था, उसमें कई समूह हमारे महिला समूह जुड़ गई थी, लेकिन बीच में कोरोना काल के कारण ये सब बाधित हो गया था। लेकिन इस वर्ष पुनः इसका हमारे माननीय जिला अधिकारी महोदय, हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हमारे NRLM से जुड़े हुए कर्मियों और हमारे सब महिला समूह द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया है। इस वर्ष आशातीत सफलता रही है। हमने करीब 42 लाख का इस समय जो है वहाँ पर चौलाई प्रसाद का विपणन किया है और उसको एक स्वीकार्यता मिली है, सबसे बड़ी बात यह है। और अब जो लैंची दाना चना ये कम होते जा रहा है और चौलाई प्रसाद का वहाँ पर बहुत अच्छा जो है की बिक्री हो रही है और हमारे यात्री भी उससे स्वीकार कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से और बड़ी खुशी के साथ। आपको बता दें कि सभी हेलीपैड और मंदिर परिसर में तीर्थ यात्रियों को तकरीबन 43 लाख रुपए का प्रसाद बेचा गया है। इन आंकड़ों से आप इस बार यात्रा में उमड़ी भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं। जिले में 20 महिला स्वयं सहायता समूहों ने चौलाई के लड्डू, हर्बल धूप, चूरमा, बेलपत्री, शहद, जूट और रेशम के बैग यात्रियों को बेचे। इसके अलावा अगर बात करें तो गंगा जल के लिए पात्र और भस्म भी मंदिर के प्रसाद का पैकेज का हिस्सा हैं, जिसके तहत पूरे प्रसाद पैकेज की कीमत 250 रुपए तय की गई थी। इस साल केदारनाथ यात्रा में महिलाओं ने अपनी आमदनी को दुरुस्त किया और आत्मनिर्भर होकर एक मिसाल पेश की। अब आने वाले 6 महीनों तक उनको आर्थिक तंगी से नहीं गुजरना पड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना काल के बाद शुरू हुई ये यात्रा काफी फायदेमंद साबित हुई है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सहमाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।